नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564903096906089754385685 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7836921। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका नाम है संभव, तो ये शुरू किया गया है। तो इस मंत्रालय का नाम है हमारा एमएसएमई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन हमारा ए जो है यहाँ पे पहले से टिक है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एर्गो, ठीक है, में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उन्होंने मंजूरी दी है, तो ये हमारा परसेंटेज है 4.99%। तो ऑप्शन हमारा जो बी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, ठीक है, तो ये बुक का नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, तो ये पुस्तक इस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, ठीक है, तो इनका नाम है चिदानंद राज घट्टा। तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी। वही यहाँ नीचे इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने फैबियो क्वाट्रो, किस देश के फैबियो क्वाट्रो, तो ये हमारे प्लेयर का नाम है, तो इन्होंने 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है जीती है, ठीक, तो ये संबंधित है फ्रांस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस देश की लेखिका और एक फिल्म निर्माता जिनका नाम है तित्सी, है ना, डेंगा रेम्बगा, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, देखिए पढ़ने में समस्या हो जाती है, ठीक है, तो नाम ध्यान से देख लीजिए, तित्सी डेंगा रेम्बगा को जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो अब इनका संबंध जो है ये है जिम्बाब्वे से, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद, ठीक है, और जो हमारा इसमें बैंक है ये है यूबीआई, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, और ये पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके, जो मर्जर हुआ था अभी रिसेंटली कुछ वर्षों पहले, तो जिसमें 10 बैंक मर्ज किए गए थे, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो दो बैंक मर्ज किए गए, फर्स्ट था आंध्रा बैंक, ठीक है, और दूसरा आपका था ये कॉरपोरेशन बैंक, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा ये वाला फैक्ट, तो ऑप्शन हमारे यहाँ से सी करेक्ट है। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना की है, ठीक है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन, तो ये जो इनिशिएटिव है ये किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, तो इनका नाम बेसिकली यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आगे का फैक्ट पहले देखते हैं, तो इन्होंने मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो डिजिटल रूप में जो पॉडकास्ट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे ये कह लीजिए संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी, ठीक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेम वही यहाँ नीचे इंग्लिश में भी है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहला द्विपक्षीय त्रि सेवा अभ्यास, ठीक है, जो हमारी तीनों सेवाएं हैं आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है, तो इनका अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया गया, ठीक है, तो इसमें जो कोंकण शक्ति एक्सरसाइज है 2021 ये है यूके के साथ, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, मतलब कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है आयोजित किया गया है, तो हमारा जो ये टाइम पीरियड है दिस इज फ्रॉम 26th of October टू 1st November, तो ऑप्शन हम बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी।
हाल ही में आयोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में किसने वर्चुअली भाग लिया है ठीक है, डिजिटल माध्यम में कह लीजिए उसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से, तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ठीक है, तो ये ध्यान रखें ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ से। ये ध्यान रखें कि वर्चुअली इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड दिस वॉज द सिक्स्थ एनुअल मीटिंग ऑफ AIIB's बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग। नेक्स्ट 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का, अब देखिए यहाँ पे इन्फेंट्री दिवस मनाया गया ठीक है, तो ये कौन सा नंबर का था आपसे ये पूछा रहा है, सो दिस वॉज द 75th, तो ऑप्शन हम यहाँ से डी सॉरी बी चूज करेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट हाल ही में यूपी सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है ठीक है, तो थोड़ा सा रीजनिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, फैजाबाद पहले उसका नाम था एंड नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू अयोध्या कैंट, तो ऑप्शन हम डी यहाँ से चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है ठीक है, और बाजार मूल्य के हिसाब से अब कौन से नंबर की सबसे बड़ी कंपनी यह बन गई है। नीचे इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए कि ICICI बैंक हैज़ एक्सीडेड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड हैज़ बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी बाई मार्केट वैल्यू ठीक है, तो मार्केट वैल्यूज के टर्म में ICICI बैंक हैज़ नाउ द फिफ्थ रैंक, तो ऑप्शन हम यहाँ से सी चूज करेंगे। नेक्स्ट इज हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किस शहर में किया गया है ठीक है, तो भारत के ही शहर में हुआ ये और ये किया गया हैदराबाद के अंदर ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम थे मोहम्मद अजहरुद्दीन ठीक है, तो इन्होंने इसको इनॉगरेट किया था और हैदराबाद में इसको इंस्टॉल किया गया, और इसकी जो कह लीजिए हाइट है दिस इज़ अराउंड 56.10 फिट ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसकी हाइट है ना, और इसका जो वेट है ऑलमोस्ट 9 टन्स का है ठीक, और इसको जो बनाया गया था तो ये पॉपुलर की एक लकड़ी जो होती है ना ठीक, इससे बनाया गया है ठीक है, तो हैदराबाद शहर यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज हाल ही में निःशस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए निस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया ठीक है, कह लीजिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, डिसआर्मामेंट वीक वॉज ऑब्जर्व टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू ऑफ डिसआर्मामेंट, तो हमारा जो ये यहाँ पे टाइम पीरियड है इसका 24 से 30 अक्टूबर तक, तो हम ऑप्शन यहाँ पे डी चूज करेंगे। नेक्स्ट हाल ही में भारत की पहली राज्य के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ठीक है, स्टेट ओन्ड वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग फैसिलिटी ठीक है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है, तो इसका किया गया है आपका ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ठीक, तो ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे बी वाला। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश के विक्टर एक्सेलसन ने मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीता है ठीक है, तो ये कंपटीशन जीता है और ये संबंधित है डेनमार्क से ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया सी वाला, और इनका नाम याद रखिए विक्टर एक्सेलसन ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला है कि यूनाइटेड नेशंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ठीक है, तो काफ़ी अवेयर होंगे आप अगर इसके बारे में थोड़ा भी आपने पढ़ा है, सो दिस इज ऑब्जर्व ऑन 24th of October, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ठीक है, किसने लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस वॉज लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ठीक है, दैट इज इन शॉर्ट UNFCCC ठीक है, तो इनकी 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको COP 26 है ना बोलते हैं, तो ये जो बैठक है कहाँ आयोजित किया गया है, देखिए यहाँ पे बैठक जो है गलत तरीके से लिखा गया है, बिंदी नहीं होगी, वर्तनी पे भी हम ध्यान देंगे, सो दिस वॉज ऑर्गेनाइज इन ग्लासगो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला हम देखेंगे, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को कब से कब तक के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का अध्यक्ष चुना गया है ठीक है, तो जो हमारा ये इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है, हमारा ये टाइम पीरियड
2021 से 23 के लिए, ठीक है? तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे यहाँ से। चलिए अगला है कि हाल ही में फिर से देख लेते हैं इसको। फोरा मिनी फेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए किसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है? तो इसको किया गया है डॉक्टर राजीव निगम, ठीक है? तो ऑप्शन हम यहाँ से बी वाला चूज करेंगे। और फोरा मिनी फेरल रिसर्च अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली ये फोरा मिनी फेरा एक कह लीजिए सिंगल सेल, ठीक है? सिंगल मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे यूकेरियोटा फैमिली हो गया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं जीवों की मतलब उनके टाइप के बारे में जो रिसर्च वगैरह होती है, तो उसके लिए ये अवार्ड इन्होंने इनको मिला है, डॉक्टर राजीव निगम को, ठीक है? 2022 का ये जो डिटेल था आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट इज हाल ही में यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है किसने जीता है, ठीक है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट इज हाल ही में 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल होता है, ठीक है? तो इस लीग में नई टीम्स को शामिल किया गया है, तो इनमें देखिए वो नई टीम जो है वो कौन सी है, तो एक ये अहमदाबाद की है, दूसरी लखनऊ की, ठीक? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज हाथियों के बचाव और संरक्षण के लिए दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो पहले आप ये ध्यान दें कि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, और इसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था, तो ये हुआ था 2012 के अंदर, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2003, तो ऑप्शन हम यहाँ से ए वाला जो है इसको चूज करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है? चलिए अगला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसमें से? तो इनका नाम है कमलेश कुमार पंत, ठीक है? तो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उसके ये क्या अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हाल ही में भारत कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर जो है घोषित किया गया है? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इंदौर ऐसा शहर है विच इज वाटर प्लस सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? द थीम ऑफ कंट्रीज 75th इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? तो ये हमारा था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, तो ऑप्शन हम यहाँ से ए चूज करेंगे। नेक्स्ट इज हाल ही में किस मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान लॉन्च किया है, ठीक है? तो ये जो मंत्रालय इसमें संबंधित है दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है? तो ऑप्शन हम सी चूज करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट इज हाल ही में तमिल फिल्म कुजंगल, ठीक है, कुजंगल को अब यहाँ पे कौन से नंबर का अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है, ठीक है? तो ये हमारा था 94th, तो ऑप्शन हम कौन सा सी वाला चूज करेंगे यहाँ से। फिल्म का नाम याद रखिएगा कुजंगल, ठीक है? नेक्स्ट इज हाल ही में मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन ने इसको फिलहाल लॉन्च किया है गरुड़ ऐप को, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, मतदान केंद्र जितने भी हैं उनकी डिजिटल मैपिंग की जाएगी, ठीक है? तो गरुड़ पक्षी की तरीके कुछ ऐसे आप याद कर लीजिए तो मैपिंग वो कर लेगा। तो ये लॉन्च किया गया हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गरुड़ ऐप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ है ना, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की जो भी किताबें होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? तो एक बार इसकी लिस्ट आप जरूर देखें, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया है, ठीक है? तो ये मिला था रजनीकांत जी को, ऑप्शन ए।
हाल ही में किस देश ने शिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च शिजियान 21 सैटेलाइट। ठीक है, तो ये किया गया है चाइना के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 2022 में होने वाले 56वें नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो ये फिलहाल किया जाएगा नागालैंड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ से डी जो है इसको चूज़ करेंगे। और क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जो होता है तो मतलब डिफरेंट टेरेन्स के अंदर ये रनिंग के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये अभी जो 2022 में होगा उसकी डेट है हमारा 15 जैन। ठीक है, जनवरी में ये होगा 2022 में। चलिए अगला देखेंगे। आधार हैकाथॉन 2021 की मेज़बानी किस संस्थान ने की? ठीक है, तो जो आधार हैकाथॉन 2021 है इसका आयोजन हुआ UIDAI, ठीक है, जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस जो है किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी। हाल ही में सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, सिटी विथ द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये जीता है कोच्चि ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो होआंग ओके मेमोरियल पार्क किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो नाम ध्यान से देखिएगा, होआंग ओके, क्वीन हियो होआंग ओके, है ना, ये मेमोरियल पार्क जो है, तो ये फिलहाल है अयोध्या में। तो अयोध्या में सरयू नदी जो है उसके तट पे राम कथा पार्क, ठीक है, ये था। तो इसका कुछ डेवलपमेंट करके नाउ अब इसका जो नाम है ये चेंज करके रख दिया गया है, क्वीन हियो होआंग ओके मेमोरियल पार्क। तो ऑप्शन हम यहाँ से सी वाला चूज कर लेंगे। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? परीक्षण यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो लॉन्ग रेंज बॉम्ब एक बनाया गया है भारतीय वायुसेना और DRDO के कोलैबोरेशन में, तो ऑप्शन हम यहाँ से बी चूज करेंगे। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टिल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है तुशील, है ना, को किस देश में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हमारा इंडियन नेवी का स्टिल्थ फ्रिगेट है ये, है जिसका नाम है तुशील। ठीक है, और ये किया गया है लॉन्च रशिया के अंदर, ऑप्शन हम यहाँ पे ए चूज करेंगे। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन अभियान शुरू किया गया? ठीक है, तो कोविड के बाद से जो हमारा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स हैं, ठीक है, तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा, तो ऑप्शन हम यहाँ से डी चूज करेंगे, मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी। और ये नेशन वाइड कैंपेन है पूरे भारत के स्तर पे, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा मतलब कि प्रपोजल प्रस्ताव पेश किया है? ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए आप कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू गिव ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, तो ये दिया है भारत ने ही, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी चूज करेंगे। नेक्स्ट इज, हाल ही में G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किसने संबोधित किया है? ठीक है, तो इस मीटिंग को एड्रेस जो किया ये मनसुख मंडाविया जी ने ही, ऑप्शन हम यहाँ पे डी चूज करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर। अगला देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के नए क्षेत्र के रोड मैप पर काम करने के लिए टास्क फोर्स का ऐसा गठन करेंगे? ठीक है, ऐसी कुछ बात हो रही है। तो डिफेंस के सेक्टर्स में रोड मैप जो हमारे कह लीजिए फ्रेम होंगे भारत और इसराइल के बीच, है ना, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी चूज करेंगे। अगला देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध अब पुनीत राजकुमार का निधन हुआ है? ठीक है, तो जो निधन वगैरह होते हैं ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो कन्नड़ के प्रसिद्ध ये एक्टर थे इनका नाम था पुनीत राजकुमार। ठीक, तो इनका अभी निधन हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है?
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है सूरत, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये फिलहाल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है। और इसको जो सोन चिरैया बेसिकली एज अ ब्रांड लॉन्च किया गया, ठीक है, ब्रांड एंड लोगो। ठीक, तो ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए ये लॉन्च किया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, है ना, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।